गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको एक और नई जगह पर ले जाएंगे और एक और नई जगह आगरा की हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं आज भाई आगरा नई राइड पे और नई लोकेशन पे और चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट लोकेशन। तो भाई अब थोड़ा सा हम घर से निकल के आ गए हैं, यहाँ एक संदीप को पिकअप किया है और चलते हैं आगरा की न्यू लोकेशन पर। तो आपको हम दिखाएंगे आगरा की सबसे बेहतरीन जगह। कार तक ही है वो, अरे वो तो कार तक है ना। तो भाई हमें यार आगरा में पहली बार हमने निंजा कावासाकी निंजा है, अब ये नहीं पता कौन सी है वो। नहीं निंजा ही थी, कावासाकी निंजा ही है। तो भाई यार मैंने पहचान लिया था आपको, वो मैंने देख लिया था, देख लिया था। अच्छा तो देख लिया था, तो सही किया आपने यार, बहुत अच्छा किया। मैं देख गया यार। तो यार भाई आगरा में मैंने भाई फर्स्ट टाइम देखी है ये बाइक, आगरा में फर्स्ट टाइम देखी है भाई। कब से मैं देख रहा था इस बाइक को, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो आखिर में ये बाइक मिल ही गई। मैं शोरूम पे गया था यार, उसके पास मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था कि भाई मुझे एक ट्रायल के लिए थोड़ा सा ये बाइक मिल जाए। तो फाइनली भाई एक अपने ही कार्तिक भाई के मित्र हैं, इनके द्वारा भाई ये दोस्त हैं, तो आज ही लिया क्या? नहीं मंडे, मंडे तो नोएडा से निकाल लिया। चलो मैं इसके बारे में डिटेल में पूछ लेता हूँ, तब तक देखो भाई। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है निंजा अपने आगरा में, मेरा भी प्लान चल रहा है, लेकिन मैं पहले से बात कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ मैं काम से आया था। तो भाई हमें ऐसे ही मिल गई हैं बाइकें, हमें यार निंजा मिल गई, तो देखो अपनी बाइक वो खड़ी है और ये रखी है भाई कार्तिक भाई की, और ये हमारे दोस्त हैं, ये अभी ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो इनकी बाइक ये रही भाई। तो चलते हैं अगले, मिलते हैं भी आगे बताते हैं आपको। तो भाई फाइनली यार आज हमने आपको दिखाई है निंजा कावासाकी 300 जो कि मैंने आपको दिखाई थी, और मैं इसे यार फर्स्ट टाइम चला भी रहा हूँ यार। ये रही मेरे सामने भाई, और ये रहा इसका मीटर, और ये रही बाइक। भाई बाइक की है लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम यार मैंने ये कावासाकी निंजा भाई 300 ये भी मैं चला रहा हूँ भाई MG रोड पर। तो भाई बहुत यार स्मूथ चल रही है यार, ये तो 300 है यार, इतनी स्मूथ चल रही है ये तो। इसका गियर का दिखाता है क्या, इसमें गियर शो करता है, गियर शो करता है क्या इसमें मीटर में? गियर शो नहीं करता ना, 6 गियर है ना। अच्छा अच्छा तो भाई ये गियर शो नहीं होता इसमें, लेकिन अभी मैंने चला रखी है, ये दूसरा गियर है। तो भाई बहुत ही स्मूथ है यार गाड़ी, यार मेरा तो है ही यार ड्रीम बाइक है मेरी यार कावासाकी लेनी है, लेकिन यार आगरा में कोई शोरूम नहीं है, आगरा में कोई शोरूम है नहीं है, तो भाई नोएडा जाना पड़ेगा, नोएडा से लिए भाई ने भी। तो मैं देख रहा था यार कोई सेकंड हैंड बाइक यहाँ कोई बंदे पर मिल जाए अपना, तो उस पर मैं ट्रायल कर लेता चला लेता, लेकिन कोई नहीं मिली। लेकिन कोई नहीं यार, मुझे मिली तो यार ये न्यू बाइक मिली है चलाने के लिए, भाई ने लिया यार अपने ग्रुप में ही है जो भाई, मज़ा आ गया यार। थोड़ा सा भगा के देखते हैं भाई, बहुत यार स्मूथ जा रही है यार, बहुत स्मूथ। तो भाई ये हमने चला लिया भाई, अभी चला के लेके आया हूँ मैं भाई, बहुत मज़ा आया यार गाड़ी में, बहुत मज़ा आई अपनी गाड़ियों को लाने में, खड़ा बहुत मज़ा आया। कल हमने आपको दिखाए थे जंगल में लोहे के शेर, और यार रियल देखो नेवले, भाई रियल वाले नेवले देख लो भाई, और जब नेवले तो सांप भी होना चाहिए, पर सांप होगा तो साला सांप इनसे तो दूर दूर भागता है ना, इनसे तो दूर दूर भागता है सांप ना, बच्चे हैं उसके नेवले के।
तो भाई कमेंट करो बताना भाई कौन सी है जो आगरा में जगह है, और इसमें भाई इस पार्क में नेवले घूम रहे हैं। देखो कितने कितने नेवलों के बच्चे हैं, और नेवलों के बच्चे। अरे भाई ये पार्क है आगरा में, तो जानता हो तो बता रहे कौन सी पार्क है। तो ये हमारी न्यू लोकेशन भाई, तो ये आगरा की लोकेशन है भाई। आप बताना कमेंट करके कौन सी लोकेशन है। और यहाँ पर भाई बस एकमात्र जगह है ये आगरा में जो यहाँ पर बोटिंग होती है, और ये हम बोटिंग करने के लिए आ चुके हैं, और ये बोटिंग हमने स्टार्ट कर दी है। ये संदीप तो पहुँच गया बोटिंग में भाई, तो अब चलते हैं बोटिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं ये पूरे एरिया में। आ रहे हैं तो आते हैं अभी। और यहाँ पे ना हाँ भाई यूपीएससी वाला राइडर है, राइडिंग का चलो अभी मिलते हैं भाई। तो भाई वोटिंग में वोट में बैठ चुके हैं और वोटिंग का आनंद ले रहे हैं भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई। संदीप यार क्या कर रहा है यार, उधर लेके चलना है ये स्टेयरिंग है। अभी हमें यही नहीं पता था कि मतलब स्टेयरिंग कहाँ है इसके भाई। देखो ये इसकी स्टेयरिंग और ये है इसके पैडल। हम भाई अपने पैरों से इसे चला रहे हैं, इसमें स्टीमर वाली भाई वो नहीं है, कोई भी स्टीमर वाली वोट नहीं है, विदाउट स्टीमर है तो पैडल वाली है। और ये इसकी स्टेयरिंग, और ये देखो भाई आगरा में एकमात्र जगह है वोटिंग के लिए, ओनली एकमात्र जगह है वोटिंग के लिए सिर्फ। अब बहुत ही सुंदर इतनी बड़ी झील है ये, और आगरा में भाई आप कहीं से भी कभी आओ और वोटिंग करनी हो आगरा में तो जरूर आना भाई इस जगह। इस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह नाम पालीवाल पार्क है जो संजय पैलेस के पास में है। संजय पैलेस में ये पालीवाल पार्क है बगल में ही, तो भाई ये पालीवाल पार्क में हम वोटिंग कर रहे हैं, तो मजा लेते हुए भाई बहुत मजा आ रहा है भाई। भाई देखो क्या यार नज़ारा है यार, और देखो इसमें एक ये झूला भी है भाई बहुत सुंदर सा, देखो ये झूला भी है इसमें, तो देखो कितना अच्छा नज़ारा है इसका। हाय तो भाई हो यार आप बताना यार ये वोटिंग का, हमने जो वोटिंग किया है बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी कभी आना आगरा, और आप भी आना तो भाई वोटिंग करके जरूर जाना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है यार वोटिंग करना, और बहुत अच्छी जगह है। ये मैंने आपको दिखाया है आगरा में ये पालीवाल पार्क है, और देखो इसमें देखो कोकोडाइल तो है लेकिन वो ना ओरिजिनल नहीं है, लोकल है, आर्टिफिशियल है, और ये तो भाई ओरिजिनल है भाई, ये डक तो भाई ओरिजिनल है। और मैंने इसी में एक नेवले भी दिखाए थे आपको, नेवले भी मैंने आपको दिखाए थे ओरिजिनल। तो भाई एक चीज और मैं आपको नेस्टिक से दिखाने लेके आया हूँ, रोक ले भाई यहाँ नाप को, तो ये नाप को हमने रोक लिया है यहाँ पर, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे यार पता क्या ये हमसे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, और ये देखो नज़दीक से संदीप के बगल में, रुक जा संदीप इधर देख। तो भाई हमारी ये नाव इस फंस गई है भाई, तो हमें पीछे लेनी पड़ रही है, पीछे का गैर इसमें कुछ नहीं है, बस पीछे पैर कर दो और ये पीछे चलने लग जाती है, और आगे की तरफ चलाओ तो आगे चलने लग जाती है, बस पीछे पीछे काफ़ी हो गई। अब लो आगे हैं, आगे चलने दो, आगे चलो स्टेयरिंग को घुमाओ। स्टेयरिंग भाई ये है, इसकी स्टेयरिंग ये है, अरे चल नहीं रही है, आगे नहीं बढ़ रही है क्या। और ये देखो भाई हमारा साथ में ये बतख भी तैर रही हैं, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर सा कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है भाई, ये देखो भाई हाय, पर बात नहीं करेंगे ये, हाय डक। तो ये भाई अपनी दुनिया में मस्त है भाई, ये नहाती हुई,
और देखो कितना, अरे वाह यार, ये भाई स्नान कर रही हैं पानी में। और ये ना मछलियों के लिए दाने डाल रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ हैं तो दाना डालने भी आते हैं लोग। तो भाई बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई। और आपको हमने दिखाए थे इसमें नेवले वगैरह भी दिखाए थे, तो नेवले भी हैं बहुत अच्छे अच्छे इसमें। इतनी जल्दी तो फाइनली भाई यहाँ 50 रुपये की टिकट है, 50 रुपये की टिकट है, 50 रुपये में ये टाइम टेबल भी है। तो टाइम टेबल कितना टाइम है भाई, 15 मिनट भाई, 50 रुपये में 15 मिनट टाइम है इनका। तो हमारे 15 मिनट अभी कंप्लीट हुए नहीं है, पर पहले ही आ गए। कोई नहीं भाई, कुछ पैसे रिटर्न कर देना हमारे, ठीक है भाई। चाबी गिर गई है भाई, 50 रुपये चाबी। भाई एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि चाबी गिर गई है भाई की, तो भाई चाबी निकालने का 50 रुपये दे रही है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं चाबी। तो फाइनली भाई ये वोटिंग हमने कर ली है, पहली बार पार्क में 50 रुपये टिकट है इसकी, 15 मिनट देते हैं, बहुत ही मज़ा आया। 15 मिनट में 50 रुपये हमारे वसूल हो गए भाई, और इन भाइयों की चाबी मिल गई। तो देख रहे हैं भाई, और ये भी इनका भी। तो कोई नहीं भाई, इंजॉय करो। तो भाई बोटिंग करने के बाद में हम आ गए थोड़ा सा बाहर, तो बाहर वाला एरिया है ये, इसमें थोड़ा सा गार्डन वार्डन बना हुआ है। और ये है भाई बाहर वाला रोड, और ये है इसका गेट, और ये इसमें बच्चे आते हुए, और चलते हैं बाहर की ओर। और ये हम निकल आए हैं बाहर, तो ये इधर साइड में काफ़ी एरिया है, ये वाला एरिया काफ़ी है पार्किंग के लिए, और ये भी है घूमने फिरने के लिए। और ये यहाँ पे हमने एंट्री की थी, ले लो भाई हेलमेट। तो हेलमेट भाई हमने रख दिए थे इसमें, काम चल रहा है यार इसमें कंडक्शन का। तो फाइनली भाई बोटिंग करके बाहर आ गए, और ये है इसका गेट, मेन गेट। तो 50 रुपये टिकट ये जगह है, और ये रखी है अपनी बाइक, राजकीय उद्यान बाल बिहार आगरा। तो ये जगह है भाई, इसमें हम गए थे, और ये रही हमारी बाइक। आपको कैसी लगी बोटिंग, और कैसा लगा ये पार्क आगरा में है भाई, तो आप बताना कमेंट करके कैसी लगी। और हमारी वीडियो में जो भी कमियां हैं वो प्लीज़ हमें बताना, जो भी कमियां प्लीज़ हमें बताना, तो हम आगे वो उसमें कुछ चेंजेस करें। और चलते हैं भाई अगले ब्लॉग में, डेली ब्लॉग में हम मिलेंगे कल नेक्स्ट, अगली नई लोकेशन के साथ में, नई वीडियो के साथ में, नई ऊर्जा के साथ।